Thank you. अरे आप तो बड़े स्वीट हैं यार. आइए आइए ना, आइए आइए आइए. ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहते हैं आप. हाँ. लेकिन ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते वो इतनी तेज आवाज में कैसे बुलाते हो आप रिशेन जब? तो ड्यूटी है, पीस मिलती है, उसकी तो कुछ करना पड़ता है. अरे यार हमारे लिए थोड़ा मुफ्त में बुला लो आज. बुलाओ सर. आप ले कर लो पहले. संगीत के बारे में, क्योंकि मेरे संगीत को कोई समझता ही नहीं है. ऐसा क्यों? बस पता नहीं लोग
आधे तो लोगों को समझ में नहीं आता तो उनको समझाना पड़ता है कि मैं क्या गा रहा हूँ, फिर आगे तो देखते दिए तो जल नहीं रहे यार। मैं बताऊँ ये आपकी गलती है जो मैंने नाम ऊपर नीचे कर दिया, आपको बुलाना था दूसरों को कि आप जब आते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन फिर भी मैं वो सवाल जरूर पूछूंगी, क्या है आजादी आपके लिए? मेरे लिए आजादी है कि लोग मेरा संगीत समझे, मुझे समझे और मुझे गाने का मौका दे। सर बड़े सारे रियलिटी शोज आ गए हैं यार। हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब जब संगीत की बात हुई है तो कोई सुर छेड़ेगा तो कोई उस पर नृत्य भी करेगा, नृत्य की बात होगी आगे, लेकिन उससे पहले हम बुलाना चाहेंगे। जमाना बदला नहीं है, आदमी वैसे ही है जैसा 1500 साल पहले चल रहा था।